स्टूडेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल। आवर टूडेज टॉपिक इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8। चैप्टर 8 में सबसे पहले आपको डेफिनेशन दी हुई है कि हेल्थ क्या होता है। कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। जब आप बिल्कुल फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो, सोशली वेलबींग मीन्स आप सोशली किसी से भी अच्छे से बातचीत कर सकते हो, तो आपकी जो हेल्थ है वो बिल्कुल सही है। तो हेल्थ को बहुत सारे फीचर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है। कोई आपको अपने पेरेंट्स से कोई जेनेटिक डिसऑर्डर, मतलब आपके जेनेटिक मेकअप में ही कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इन्फेक्शन से आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। आपके लाइफस्टाइल से आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट, मान लो आप जंक फूड ज़्यादा खाते हो तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल और बीपी का लेवल ज़्यादा रहता है। तो ये 3 फैक्टर हैं जो कि आपकी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ी है डेफिनेशन कि हेल्थ क्या होती है। जब आप कंप्लीटली फिजिकली मेंटली और सोशली बिल्कुल बिल्कुल फिट हो, और हेल्थ को अफेक्ट करने वाले ये 3 फैक्टर हैं। अब हम पढ़ेंगे डिजीज़। डिजीज़ जो है वो 2 वर्ड से मिलके बना है। पहला है डिस एंड सेकंड इज़ ईज़। जब हमें डिसकंफर्टेबल लगता है, अपनी बॉडी में कुछ ना कुछ गड़बड़ लगनी स्टार्ट हो जाती है, उसको हम कहते हैं डिजीज़। व्हेन वन और मोर ऑर्गन आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, जब हमारी बॉडी का एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन सही से वर्क नहीं करता, तो हमें कुछ डिस ईज़ महसूस होती है। देखो, अगर एनी इन्फेक्शन एजेंट दैट क्योर्स डिजीज़, कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी चीज़ हो सकती है जो कि आपकी बॉडी को डिसईज़ कर रही है, उसको हम पैथोजन कहेंगे। ठीक है, बायोलॉजिकल हो सकता है, जैसे मान लो कोई वायरस हो सकता है, कोई प्रोटोजोआ हो सकता है, कोई फंगस हो सकती है, कुछ भी। डिजीज़ जो होती हैं वो 2 टाइप से कैटेगराइज की हुई हैं, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस ऐसे डिजीज़ जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैलती है, कैन बी स्प्रेड अदर बाय वेरियस मीन्स। जैसे कॉमन कोल्ड है, कैसे फैलता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ना। एड्स, एड्स आपको पता ही है कैसे फैलता है। वैसे भी मतलब कोई नीडल वगैरह से भी फैल सकता है, या फिर बहुत सारे इसके कारण होते हैं। नॉन इन्फेक्शियस में आ सकता है जैसे कैंसर है। कैंसर एक पर्सन को है, तो वो दूसरे पर्सन, अगर आप कैंसर वाले पर्सन के साथ बैठ के उसको कोई मेडिसिन दे रहे हो या उसके साथ बैठ के कोई खाना खा रहे हो, तो आपको कैंसर नहीं होगा। ठीक है, विच डू नॉट स्प्रेड ईजिली टू अदर्स। जैसे बीपी, अगर आपको, तो आप बीपी वाले पर्सन के साथ बैठे तो आपको बीपी नहीं होगा। तो दिस इज़ नॉन इन्फेक्शियस एंड इन्फेक्शियस, 2 टाइप के डिजीज़ हो सकती हैं। ठीक है, इसके बाद है कि डिजीज़ जो हैं उसको मेडिकल साइंस के अंदर 5 टाइप से कैटेगराइज कर दिया। ठीक है, क्योंकि डिजीज़ तो बहुत हैं, इनको स्टडी करने के लिए इनको कैटेगराइज किया। जैसे बैक्टीरियल डिजीज़, वायरल, फंगस, प्रोटोजोआ डिजीज़ एंड हेलमेंथिस डिजीज़। तो आज हम सारे बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारा बैक्टीरियल डिजीज़ है ना। बैक्टीरिया से देखो बेटा कौन कौन से डिजीज़ होती हैं। टाइफॉइड, निमोनिया, क्लोरेला, टीबी, लैप्रोसे, टेटनस, डिप्थीरिया, प्लेग, ये सारे जो होते हैं ये बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ हैं। बट जो आपकी NCERT, इसके आगे मैंने टिक्स लगाए हैं स्पेशल, क्योंकि ये NCERT के अंदर मेंशन है, तो आपने इसके बारे में अच्छे से पढ़ना है। ये सारी NCERT के अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। ठीक है, तो टाइफॉइड, टाइफॉइड को हम कहते हैं एंटेरिक फीवर। एंटेरिक फीवर देखो बेटा क्या होता है, जो भी चीज़ हमको स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड लगती है उसको हम एंटेरिक कहते हैं। जैसे ये क्या करता है, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्रैम्प्स क्योज कर देता है, तो इसको हम कहते हैं, इसकी वजह से जो फीवर होता है उसको हम कहते हैं एंटेरिक फीवर। ठीक है, कैजुअल ऑर्गेनिज्म, कोजुअल ऑर्गेनिज्म, कोजुअल मतलब जो उसका क्योज है, जो उसका कारण बनता है ऑर्गेनिज्म, वो है साल्मोनेला टाइफी। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है फीको ओरल रूट। फीको ओरल रूट मतलब क्या होता है कि जैसे अगर ये एक तब फैलता है टाइफॉइड ऑलमोस्ट जबकि किसी जगह पे बाढ़ आ जाती है। ठीक है, फ्लड आती है, तो क्या होता है, जो बाढ़, जब बाढ़ आती है, फ्लड आती है, तो क्या होता है कि जो गंदा पानी होता है वो साफ पानी के अंदर मिक्स हो जाता है ना, सारी जगह पानी पानी हो जाता है। टॉयलेट का पानी जो होता है वो हमारे पीने वाले पानी के अंदर मिक्स हो जाता है, तो इसको हम, इसको मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं फीको। फीको मतलब जो हमारे टॉयलेट के अंदर, फीसिस के अंदर जो इन्फेक्शियस एजेंट है, वो हमारे मुंह से जब हमारे अंदर चले जाते हैं, मान लो हमने वो गंदा पानी पी लिया जो जिसके, जो कि टॉयलेट का पानी था और जो पीने वाला पानी था वो मिक्स हो गया, और उसको हमने इंजेस्ट कर लिया, उसको हमने पी लिया, तो हमारे बॉडी के अंदर क्या होगा, वो सारे ऑर्गेनिज्म चले गए, साल्मोनेला टाइफी चला गया, तो हमारी बॉडी में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्रैम्प्स होने स्टार्ट हो जाएंगे, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, फीवर रहेगा लगातार। सस्टेन का मतलब होता है लगातार फीवर रहता है, 39 to 40 डिग्री। इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाएगी, ये जो
बैक्टीरिया होता है ये हमारी इंटेस्टाइन के अंदर जाके छोटे छोटे होल कर देता है। तो इसका इसके लिए जो टेस्ट करवाना पड़ता है उसको हम बोलते हैं वाइडल टेस्ट। ये आपके एनसीईआरटी मेंशन है और आप उसको अच्छे से लर्न कर लेना, वाइडल टेस्ट। टाइफॉइड मैरी बेटा एक अलग केस है। इसमें क्या होता है कि एक लेडी थी मैरी मेलन, वो एक कुक थी प्रोफेशनली और वो एक रेस्टोरेंट में खाना बनाती होती थी। तो उसने एक दिन क्या किया था कि रेस्टोरेंट में खाना बना रही थी तो उसने बहुत सारे लोगों को खाना सर्व किया और जितने भी लोगों ने खाना खाया वो सारे बीमार हो गए। तो पता चला, डॉक्टर्स ने पूछा कि आपको आपने क्या किया, तो उन्होंने बताया कि हमने इस रेस्टोरेंट में जाके खाना खाया था। तो उन्होंने देखा कि शी इज़ द कैरियर ऑफ टाइफाइड, कि उसको टाइफाइड के कोई सिम्टम नहीं थे बट शी इज़ द कैरियर, वो कैरियर थी टाइफाइड की और उसने लोगों को मृत्यु दान दिया था। तो ये एक केस है जो कि मेडिकल साइंस के अंदर फेमस है, तो आपको इसको लर्न करना। उस लेडी का नाम था मैरी मेलन। फिर है क्लोरेला। क्लोरेला का कॉजुअल ऑर्गेनिज्म, कॉजुअल मतलब जो उसको क्योज करता है, वो है विब्रियो क्लोरा, एक कॉमा शेप का बैक्टीरिया है। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, ये भी तभी फैलता है जिस जगह पर फ्लड आती है। इसका सिम्टम है डायरिया। डायरिया का मतलब होता है राइस वाटर फीसिस, जो लूज मोशन हो जाते हैं और राइस वाटर का फीसिस आता है, वॉमिटिंग आती है और डिहाइड्रेशन क्योर हो जाता है। डिहाइड्रेशन मतलब आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी और आपको डॉक्टर रिकमेंड करेगा ORS का घोल। इसके बाद है निमोनिया। निमोनिया देखो, निमोनिया का जो कॉजुअल ऑर्गेनिज्म है वो है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ऐसे लगता है कि ये वाला जो इन्फ्लुएंजी है ना, ये इन्फ्लुएंजा कोज करेगा, लेकिन इन्फ्लुएंजा हमेशा वायरस से फैलता है। तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी जो है ये निमोनिया का कारण बनता है। इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, मतलब कि अगर आप किसी पर्सन को निमोनिया है और आप उसके पास हो तो आपको भी निमोनिया हो सकता है, क्योंकि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन कर देता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन का मतलब, जैसे ये रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है ना हमारा, यहाँ पे जाके ये ट्रैकियाज में बन जाता है और यहाँ पे एल्वियोलाई हो जाते हैं, एल्वियोलाई होते हैं ना लंग्स के अंदर, ठीक है, जैसे लंग्स है ना, लंग्स के अंदर एल्वियोलाई होते हैं। तो एल्वियोलाई के अंदर बेटा पानी भर जाता है, जब एल्वियोलाई के अंदर वाटर भर जाएगा, वाटर फिल्ड हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का एक्सचेंज कहाँ से होगा? ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं होता तो हमारे बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलती। तो क्या होता है, हमारे जो जैसे ये नेल्स है ना, नेल्स ये बिल्कुल ना वो हो जाते हैं ग्रे कलर के हो जाते हैं, और जो हमारे लिप्स होते हैं वो भी ग्रे से कलर के, मतलब ब्लू से हो जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं कि इस ये बीमारी अगर किसी पर्सन को हो जाती है तो ऑलमोस्ट छोटे बच्चों को ज़्यादा होती है, उनको फीवर चढ़ता रहता है, निमोनिया, डबल निमोनिया हो जाता है। तो क्या होता है कि इसमें ज़्यादा फाटल है, मतलब ये घातक डिजीज़ है, इससे पर्सन की डेथ भी हो सकती है। फिर है ब्यूबोनिक प्लेग। ब्यूबोनिक प्लेग को हम ब्लैक डेथ भी कहते हैं। यूरोप में इसने बहुत सारे लोगों की जान ले ली थी। ये बैक्टीरिया होता है यार्सिनिया पेस्टिस, इससे फैलता है। और यार्सिनिया पेस्टिस जो होता है एक फ्लाई के ऊपर रहता है, और जो फ्लाई होती है वो कैट के ऊपर रहती है। जब कैट की डेथ हो जाती है तो ये जो फ्लाई होती है ये लोगों को इन्फेक्ट करना शुरू कर देती है, क्योंकि कैट की तो लाइफ टाइम कम ही होता है ना। तो जहाँ पे किसी पर्सन के, जैसे मान लो इसने मेरे यहाँ पे किया इन्फेक्ट, तो यहाँ पे रेड कलर का स्पॉट हो जाएगा और उसको हम कहते हैं ब्यूबो या फिर लम्ब्स। इसीलिए इस बीमारी को हम क्या कहते हैं, ब्यूबोनिक प्लेग। ये भी बहुत फर्टल है, इसमें यूरोप में बहुत सारे लोगों की जान ली थी। और जो ये लम्ब्स होते हैं, पहले तो होते हैं थोड़े से रेड कलर के, फिर ब्लैक होने लग जाते हैं, इसलिए इसको ब्लैक डेथ भी कहते हैं प्लेग को, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस है, उसको कोस डिजीज़ कहते हैं। इसके बारे में पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। वायरल डिजीजेज वी विल रन टुमारो। ओके स्टूडेंट, बाय बाय, थैंक।